कहने का मतलब आज से आप आपसे बात हो रही है ना है। इसके पहले भी हुई होगी बात, जिन लाखों जन्मों पहले हुई हो, लेकिन हुई थी। अगर मैं सच कहूं, जब मैं इस वर्ष कुंभ मेले में पहुंचा तो मैं नहीं जानता था कि यह फिल्म मैं किस बारे में बनाऊं। मैं सिर्फ इतना जानता था कि संगम पर कुंभ मेला 12 वर्षों में एक ही बार होता है। द लास्ट वन वॉज इन 2013 एंड द नेक्स्ट वन विल ओनली हैपन इन 2025। 6 years इज अ लॉन्ग टाइम and right now this seemed like my best chance to witness and understand what this largest collective act of human faith is all about. This is the story of my experience at the Earth Kumbh 2019. A quick internet search told me that Naga Sadhus live in caves in the Himalayas and they only come out in public during Kumbh. These are the people who have given up all that the world has to offer and technically declared themselves dead. कहते हैं कि आज से कई सौ वर्ष पहले बाहर से आक्रमण करने वालों से धर्म की रक्षा करने के लिए नागा सेना बनाई गई थी। It seemed like they are ferocious characters who are hard to find and communicate with. कितने साल हो गए आपको बाबा? करीबन 30 साल हो गया। 30 साल हो गए हैं, मतलब बनते हैं कुंभ में ही, मतलब होता है ना जैसे? हाँ, संस्कार कुंभ में ही होता है। कुंभ में ही होता, तो आपका संस्कार भी कुंभ में ही हुआ था? हाँ, कुंभ में हुआ था हरिद्वार। जब से आपने संन्यास लिया है आप अपने परिवार से नहीं मिले बिल्कुल? ना ना, कभी मिले भी नहीं। आप कौन कहाँ है कोई क्या कुछ जान पा रहे? उससे मतलब ही नहीं रहता, मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि उनका जो है कंटेक्ट जो है ड्रम से रहता है। तो ड्रम से कंटेक्ट रहने के बाद में फिर जो है आप जैसे आप सो आप जैसे दो दिन हमारे साथ में नहीं रहते, एक ही दिन में आपका जो है कि ड्रम जो है वो अपनी तरफ खींचेगा, आप रिस्ट की तरफ जाएंगे, दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो कैसे तालमेल होगा? क्या होता है जैसे यहाँ पे इस समय बैठे हुए हैं, मानते हो ना आप अस्त्र पहने हुए बैठे हो, मैं बगैर अस्त्र के पहना हूँ, है ना? आप नहीं बैठ सकते, ये खींचना हुआ और आप अस्त्र पहने हुए बैठे, इसका मतलब आपको प्रॉब्लम है अंत तो गत्ता, शुरू से अंत तक सच्चाई की विजय होती है, शुरू से अंत तक सच्चाई की विजय होती। अच्छा, ऐसा बताते हैं बोलते हैं कि जो नागा बाबा है वो हिमालय में जाके करते हैं तपस्या वगैरह? हिमालय में जाते हैं, भारत वर्ष में कहीं, मतलब आप कहीं जाते हैं? हाँ, जाते हैं हिमालय में, पूरे भारत वर्ष में जाते हैं, पूरे भारत वर्ष में जाते हैं। और कुछ कुछ ऐसे जैसे बाबा होते हैं जो तपस्या कोई कर रहे हैं, कोई एक पैर पे खड़ा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, वो भी हाँ वो ऐसे मतलब है खाते ऐसे ऊपर, तपोभूमि है, तपोभूमि है, भारत जो है तपोभूमि है। हिमालय में हम भी गए थे, करीबन हमें 2 महीने लगे थे, 2 महीने पैदल गए थे। आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? सबसे अच्छा तो यहाँ घूम कर भी रोटी पानी मिल गया, अच्छी नहीं है, अच्छा यहाँ तो डॉक्टर मिल गया और क्या। आप अपना मतलब शिक्षा शिक्षा से ही आप अपना मतलब चलता है खाना पीना? हाँ, बस वही भेज देता हूँ भोलेनाथ, हम नाम मांगे तो काफी सर अपने आप चले गए, भाई गुरु की कृपा है सर। माचिस दिखाओ, माचिस देख लो, चिलम पे ही आए वो रुपया, चिलम पीने पे ही रुपया आ गया देख लो, अब बताओ क्या करोगे? बाकी लीला का पता नहीं है क्या करे,
तो लक्ष्मी ऐसे आप अजय हो. So, what are the two things that I came to know about Naga Sadhus? एक ये कि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही हिमालय की गुफाओं में रहते हैं. ज़्यादातर वो देश भर में अपने अपने आश्रम या अखाड़ों में रहते हैं एंड दे कीप ऑन ट्रैवलिंग इन बिटवीन. और दूसरा ये कि उनसे बात करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ऑल यू नीड इज एन ऑनेस्ट क्वेश्चन फॉर देम एंड दे आर हैप्पी टू टॉक टू यू. हंसके दिखा बस. मिसलार बना रहे हो. अयोध्या से. अयोध्या से आए हैं. मंदिर मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बनेगा महाराज जी, क्यों नहीं. मैं जानता था कि आस्था में शक्ति होती है और कुंभ में आकर मुझे इस बात पर और यकीन हो गया. हाउ मेनी ऑफ देम आर हेयर टू एक्चुअली वॉश अवे देयर सिंस एंड हाउ मेनी आर हेयर बिकॉज इट इज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस टू टेक बाथ ऑन दीज डेट्स. दीज आर क्वेश्चंस वेटिंग टू बी आंसर्ड. बट व्हाट आई कैन डेफिनेटली से इज दैट दे आर नॉट हेयर जस्ट बिकॉज इट्स एन इवेंट. दे आर हेयर बिकॉज दे आर ऑल सीकिंग. They are here because of faith.